पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के पूर्वी निगम के ढलाव घरों में जन रसोई का मामला पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में विपक्ष की तरफ से उठाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई। भारतीय जनता पार्टी निगम की बैठक के साथ अब सड़क पर भी अरविंद केजरीवाल पर गौतम गंभीर की जन रसोई को बंद करवाने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी द्वारा निर्मित समिति की बैठक में गौतम गंभीर को जन रसोई खोलने के लिए ढलान घर दिए जाने पर सवाल उठाया था। बैठक में मनोज त्यागी ने निर्माण समिति बैठक में पूछा था कि किस नियम और योजना के तहत गौतम गंभीर को ढलाव घर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शाहदरा जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा और पड़पड़गंज जिला अध्यक्ष विनोद बचेती के नेतृत्व में शकरपुर और विनोद नगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने कहा कि केजरीवाल डर गए हैं, इसलिए जन रसोई बंद करना चाहते हैं। सांसद गौतम गंभीर गरीबों के लिए 5 जन रसोई पूर्वी दिल्ली में चला रहे हैं, जिसमें 1 रुपए में खाना खिलाया जाता है, जबकि इसी एक थाली की कीमत लगभग 30 से 40 रुपए होती है, जो सांसद गौतम गंभीर अपनी जेब से देते हैं। सांसद गौतम गंभीर पिछले 1 साल से पूर्वी दिल्ली में जन रसोई चला रहे हैं, जिनमें रोजाना करीब 4,000 लोग खाना खाते हैं। कोरोना काल में भी सांसद गौतम गंभीर के द्वारा लगातार जरूरतमंदों के लिए हर प्रकार की मदद की गई तथा लगभग 20,000 लोगों को निशुल्क वैक्सीन भी लगवाई। हाल ही में सांसद गौतम गंभीर के द्वारा ढलाव घरों में शहीद भगत सिंह के नाम से शहीद भगत सिंह जन लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जिसमें हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क किताबें और पढ़ाई का सामान मुहैया कराया जाएगा। मयंक रावत है। रावत जी, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूँ, वादा था तेरा वाईफाई खेले, ठीक है, बोले तूने हाईफाई, ये वादा जन रसोई का केजरीवाल जी का था। उन्होंने बोला था मैं दिल्ली में आऊँगा तो दिल्ली में 100 जन रसोई खोलूँगा। इसके विपरीत हमारे सांसद जी पूर्वी दिल्ली में 4 जन रसोई खोल चुके हैं, 5वीं खुलने वाली है। देखिए, हम आप सबको पता कि हमारे जो लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर जी के द्वारा पूरे संसदीय क्षेत्र में जो जन रसोईयां खुल रही है उनके तहत ये हम लोग हमारी 5वीं जन रसोई खुली। अभी कुछ टाइम पहले निगम के जो विपक्ष के नेता है उनकी तरफ से एक ऐसा बयान आया कि गौतम गंभीर जी ये जन रसोईयां क्यों खोल रहे हैं जो MCD के ढलाव घर में, जो दिल्ली के, जो भाजपा के जो MCD के ढलाव घर थे, अब उन्होंने, क्योंकि वो सारे ढलाव घर खाली हो गए हैं, तो सांसद जी के माध्यम से वहां पे जन रसोई खुल रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के लोग, जो इनका मुखिया, इनका जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा था कि चुनाव में कि मैं 100 जन रसोईयां खोलूंगा, एक भी नहीं खोली। हमारे सांसद गौतम गंभीर जी जहां जन रसोईयां खोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी इनको रोक रही है। इन्होंने इसका विरोध किया है निगम में, ये जन रसोईयां नहीं खुलनी चाहिए, गरीब आदमी को 1 रुपए में खाना नहीं मिलना चाहिए, गौतम गंभीर जी को ये योजना बंद करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ये जो LED लगाई है, जिसके माध्यम से गौतम गंभीर जी के कार्यक्रमों को प्लस उनकी जन रसोईयों की जानकारी है, और आप सबके माध्यम से मैं कहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी और इनके नेता जो काम हमारे सांसद जी कर रहे हैं, उस काम में ये अड़चन डाल रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।